आमोर एवं बैसा प्रखंड में पंच एवं सरपंच के अधिकार की लड़ाई के लिए न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित। पूर्णिया के आमोर प्रखंड के प्रखंड परिसर स्थित सभागार में पंच सरपंच संघ द्वारा प्रखंड पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। तो वहीं बैसा प्रखंड के ग्राम पंचायत राजरोटा सभागार में प्रखंड पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष मोहम्मद बदरुद्दीन की अध्यक्षता में भी एक बैठक आयोजित की गई। इस प्रखंड स्तरीय बैठक में संघ के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान उर्फ पप्पू भाई एवं उपाध्यक्ष विश्वजीत कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला पंच सरपंच संघ के उपाध्यक्ष विश्वजीत कुमार ने कहा कि सरपंचों की अधिकार की लड़ाई को लेकर चल रहे आंदोलन की कड़ी में न्याय यात्रा पूर्णिया पहुंच रही है, क्योंकि यह लड़ाई 2006 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद 2007 से शुरू हुई है, जो लगातार 2023 तक चल रही है। अनेकों बार सरकार की ओर से सरकार के जनप्रतिनिधियों ने मांगों पूरी होने के वादा किया, मगर बस आश्वासन ही मिला। अब वक्त आ गया है मांगे पूरी नहीं होने पर अंतिम लड़ाई की। 30 अक्टूबर को न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार को अपनी बात और अपनी ताकत दिखाने की, इसलिए आप सभी न्याय यात्रा में भाग लेकर इस न्याय यात्रा को सफल बनवाए। अमोर से प्रफुल्ल कुमार की खास रिपोर्ट। को की भारी समर्थन प्राप्त है आपको? हम लोग जो बैठे जिला अध्यक्ष साहब आए यहाँ पर, और बहुत अच्छी बात है। हम लोग जो मीटिंग जो मीटिंग की मीटिंग हमारा प्रखंड में होते रहते हैं ये 1100 मांगों को लेकर के, और हम इतना ही वादा करते हैं कि हमारे जिला में जो 30 तारीख को होने वाला है, तो उसमें से ज़्यादातर हमारा प्रखंड का अमर प्रखंड का ही पंच सरपंच है उपस्थित रहेंगे। क्या परिचय है? मोहम्मद रिजवान उड़क, ग्राम कचहरी अधान सरपंच। विधानसभा, क्या यहाँ के जो विधानसभा के नेतृत्व कर रहे हैं, लोकसभा के भी नेतृत्व करता है, क्या उन लोगों से अभी तक आप लोगों की संपर्क हो सकी और क्या आपको सहयोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का अभी संपर्क नहीं हुआ है, और उन लोगों के द्वारा हम लोगों के साथ कभी कोई सामंजस्य वाली बात नहीं हुई, कभी हम लोगों की बात सदन में उठाया नहीं गया। लेकिन हम लोग 30/10/2023 को सभी लोगों को, हम सातों विधानसभा के विधायक को और किशनगंज के MP साहब को, पूर्णिया के MP साहब को, MLC साहब को, सभी को आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं कि आप लोग सभी हमारे प्रोग्राम में, हमारे कार्यक्रम में कला भवन पहुंचे और हम लोगों की मांग को उठाए। हम लोगों का जो संगठन है वो पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक काफी संगठित हुआ है और मजबूत भी हुआ है। हम लोगों को आशा भी जगा है कि आने वाले दिनों में ये पूरे भारत में एक राज्य बिहार है जिसमें ये ग्राम कचहरी न्याय का एक रास्ता है, जिसको जो सरकार यहाँ पर लागू किया है, और हमें लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा केस और मामला जो वो मामला है। संघ के जिला अध्यक्ष आकर बैठक किए हैं न्याय यात्रा को लेकर, क्या तैयारी है आपके प्रखंड से और क्या कितना समर्थन प्राप्त हो? देखिए, हमारे बीच तो जिला अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, और हमारे 2400 पंचायत से आए हुए सारा सरपंच यहाँ पे मौजूद हैं, और हम लोग चाहेंगे न्याय यात्रा में हम लोग पूर्णिया सारे 38 जिला में, मतलब हम लोग फर्स्ट करेंगे और हम लोग सफल बनाएंगे न्याय यात्रा को। और हम लोग चाहेंगे 38 जिला में जितने 14 प्रखंड हैं, 14 प्रखंड में अमोर सबसे ज़्यादा भारी रहेगा हमारा, और हम लोग चाहेंगे पंच और सरपंच सारा मिल के हम लोग, मतलब क्या कहते हैं, कि सफल बनाएंगे और हम लोग चाहेंगे। क्या परिचय जी? क्या परिचय? हमारा नाम मोहम्मद जाकिर है, ग्राम कचहरी सरपंच खारी मेनगांव और सरपंच संघ के अध्यक्ष अमोर। बैठक में सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष और जिला के उपाध्यक्ष का धन्यवाद देता हूँ, और ये न्याय यात्रा जो है हमारे प्रदेश से जो स्टार्ट हुआ है, जितने भी न्याय जहाँ जहाँ जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस जिस ब्लॉक में हो रहा, मेरा ब्लॉक इसमें एक नंबर पे जाएगा, देख लीजिएगा। और न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर जिला पंच संघ जी लगातार प्रखंडों में बैठक कर रहे हैं, भवानीपुर, बीकोटी, आपका आगे भी 3-4 ब्लॉक को ये कर चुके हैं, आपके यहाँ आ जाए जिस तरह से क्षेत्र में पूर्व सरपंच से भी आग्रह किया जा रहा है का पानी, क्या आप लोग वर्तमान हैं? पूर्व भी आपके साथ यहाँ है मीटिंग में और बैठक में आ रहे हैं?
बैठक में तो आएंगे, पूर्व सरपंच को हम लोग लेंगे, उन लोगों भी लेंगे। ये जानकारी पहले इतना नहीं था हम लोगों को कि पूर्व सरपंच को भी लेना है, और इसे जानकारी होने से हम लोग आज ही लेके आते। अब ये जानकारी हम लोग अपने पूर्व सरपंच को भी देंगे। आपके यहाँ सरपंच संघ जो प्रखंड में है उनको क्या क्या समस्याएँ आती है? प्रखंड सरपंच को अध्यक्ष को भी बहुत सारी समस्या है। वो सब जिला कमेटी से आपके पास कराए? जी, जिला से। क्या परिचय? मेरा नाम इफ्तखार अहमद हुआ, अपनिया ग्राम कचहरी। संघ की बैठक को और क्या क्या समस्याएं आप अपने जिला अध्यक्ष को बताए? हमारे यहाँ कचहरी संचालन में जो समस्या आ रहा है, जैसे चौकीदार का मामला है, भत्ता का मामला है, और कहीं कहीं सचिव का मामला है, न्यायमित्र का किसी किसी ग्राम कचहरी में मामला है। उसके बाद जो है हमारा जो थाना का कुछ रहता है वो मामला है, सरपंचों के साथ कहीं झूठा मुकदमा और सरपंचों को गलत ढंग से फंसाने का मामला है, सरपंचों पर कहीं पर रास्ते में कुछ दमन लोगों के द्वारा जो उस पर आक्रमण किया जाता है, वो सारा मामला है। इन्हीं मामलों पर हम लोग बातचीत किए, अपने अध्यक्ष को बताए हैं कि ये सारी मामला है जो कचहरी के संबंधित मामला है, और ये सब मामला हम लोगों के साथ केस आता है। तो आगे हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो अगला मीटिंग जो होगा वो अपनी बातों को आगे तक लगभग राज्य स्तर क्या लगता है कि आप लोग सरपंच संघ प्रखंड में भी, जिला में भी और राज्य तक ये इतना एकत्रित हो जाएंगे कि सरकार पे दबाव बन जाएगी और आपकी बात मानी जाएगी? एकदम निश्चिंत है, क्योंकि हम लोग हर 500 पर की आबादी में हमारा एक पंच है, और पूरे बिहार का लगभग 90% आबादी हम लोग हमारे न्याय पर आश्रित है। हम चाहेंगे जिस दिन अगर अपने पद को त्याग देंगे तो सरकार को अपना बिहार संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम सरकार का 90% मामले को हम निराकरण करते हैं। हम जिस दिन अगर अपना कुर्सी छोड़ देंगे तो सरकार को अपना मामला संभालने में ही जान पर बन जाएगा। इसलिए 31 को आप लोग आंदोलन में रहेंगे? हाँ, आंदोलन एकदम हम लोग पुरजोर रहेंगे, और अमौर के धरती से सभी सरपंच पंच पूरे ताकत के साथ रहेंगे। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद जावेद इमाम हुआ, पंचायत तालवाड़ी।